प्रतिष्ठितम् त्रेति
तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। जय 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 गोविंद।
वरीयानिषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां तस्माद्भारतसर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छदाभयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः अन्ते नारायणस्मृतिः अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसे साध्वसः छिन्द्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुयेर्चतम् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्तासीनः विधिवत्कल्पितासने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृत्ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेज्जितश्वासः ब्रह्मबीजमविस्मरन् मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान सुखदेव जी महाराज का सत्संग प्राप्त होने पर दुर्लभ सत्संग प्राप्त होने पर महाराज परीक्षित ने बिना समय गंवाए तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया सपर्या किया प्रणिपात प्रणाम किया दंडवत और अब परिप्रश्न करते हैं।
अतः पृच्छामि। क्या प्रश्न है? बोलते हैं तो सर्वथा मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है, और विशेष रूप से जो मरणासन्न है, माने जिसको अब लगता है कि देह छोड़ने का समय आने वाला है, लेकिन अभी मेरे पास समय है। मरणम आसन्नम येषाम, मरण निकट है इस प्रकार की जिसको अनुभूति होती है, जिसको इस प्रकार का आभास है, जिसको इस प्रकार का कदाचित बोध होता है, भूलता नहीं इस बात को, तो याद रहता। आप चाहें तो देहतः भी बोल सकते हैं, चाहें तो मतितः भी बोल सकते हैं। बुद्धि में मृत्यु की स्मृति बहुत दूर नहीं जाती, और इसलिए यह देह एक अवसर जान पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि मृत्यु की याद के कारण चित्त जो है वो उदास हो जाए, दब जाए, नहीं। अभी अवसर है इस आयाम का स्मरण करके चित्त को उत्फुल्ल रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। समय का अत्यधिक उपयोग हो जाना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या उसके लिए सुनने लायक है, क्या बोलने लायक है, क्या करने लायक है। ये शारीरिक इंद्रियक व्यवहार की बात पूछी, और मानस व्यवहार में दो बात कही। रस बुद्धि कहाँ प्रगाढ़ होनी चाहिए, किम भजनीयम, और मानस में स्मृतियों का जो संसार है, शत्रु मित्र की स्मृतियों से भरा हुआ मेरा मन है, लाभ हानि से भरा हुआ मेरा मन है। अब वो किस तरह की स्मृतियों का संसार, क्योंकि इंद्रिय व्यवहार के उपराम होने पर तो मानस व्यापार तो बना ही रहता है। अकेले बैठने पर भी, आंख बंद करने पर भी मन में ये निहारने वाली बात है कि मन में उस समय व्यापार की स्थिति क्या है। मन में दुनिया भरी हुई है या कहीं प्रभु की स्मृति भी होती है। शत्रु मित्र का स्मरण है, कर्तव्य का स्मरण है, धर्म का स्मरण है, या फिर तत्व का, प्रभु का स्मरण है, या प्रभु की कृपा का स्मरण है, प्रभाव का स्मरण है। स्मृति का विषय क्या बन रहा है और कितनी देर तक बनता है, साधक को इस बात से अपनी जांच करनी चाहिए। चित्त के ऊपरी तल पे प्रायः जो दैनिक व्यवहार की बातें हैं वही तैरती रहती हैं और आपस में लड़ती भिड़ती रहती हैं, कभी एक दूसरे को काट देती हैं और कभी एक दूसरे को बढ़ा देती हैं। ये चित्त का बिल्कुल उथला हुआ ऊपरी रूप है, और जो आवृत चक्षु कभी हुआ नहीं है ना, कभी बैठता नहीं, कभी ध्यान आदि की साधना नहीं करता, उसको कई बार ये बात पता भी नहीं चलती कि मानस व्यापार का इतना ही हमारा समाचार हाल है। वो तो जब कश्चित धीरह प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु, तो जब कभी उपरामता आती है उस समय मानस व्यापार बिल्कुल मालूम पड़ने लगता है।
तो भगवान यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, पहला तो प्रश्न है किम स्मर्तव्यम। मान लिए कुछ भी स्मृति हो रही हो वो तो ठीक है, स्वाभाविक है, तरह तरह की वासनाओं का संस्फुरण है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक किसका स्मरण करना चाहिए? ये क्योंकि स्मर्तव्य, ये तव्यत प्रत्यय लगने से ये बात समझ में आती है कि स्मरण का भी एक विषय प्रयत्न पूर्वक अभ्यस्त हो सकता है। वासनाओं की, संस्कार राशियों की जो सहज संस्फूर्णा है, उससे ऊपर उठा जा सकता है अगर कोई अभ्यास करता हो तो। यही तो। और रस बुद्धि कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ है वो अपनी जगह पर है। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कभी विषय से दूर होने पर भी, है ना, ये भगवान बोलते हैं रसवर्जम, बुद्धि में रसबुद्धि जो बनी हुई है, प्रमा बनी हुई है, एक तरह की व्याप्ति बनी हुई है कि यहीं से मुझे सुख मिला था और यहीं से मिलेगा, अन्यत्र तो सुखम नास्ति तत्रैव अन्वेष्टव्यम, वहीं खोजना चाहिए। ये है रसबुद्धि। भजनीयम किम, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, आविद्यक रूप से रसबुद्धि कहाँ है? वो तो जहाँ है सहाँ है, लेकिन होनी कहाँ चाहिए ये मुझे बताइए। ये पांच प्रश्न किए, पूरे जीवन को समेट करके आप प्रश्नकर्ता का धरातल देखो। इसलिए मुख्य श्रोता बोलते हैं प्रश्नकर्ता कहाँ आसन लगा के बैठा है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं डाला गया जो अनावश्यक हो, जो अन्य विषयक हो। तो लोगों का भला कैसा हो, ये सौनक जी ने पूछा था। पुंसाम एकांतत श्रेय किम। अब देखो ये लोक संग्रही का प्रश्न है, ये सौनक जी का प्रश्न है, महाराज परीक्षित का प्रश्न ही बहुत अलग है। सुखदेव जी महाराज उनके इस प्रश्न से प्रसन्न हो गए। हे राजन, हे राजन, तुमने समस्त लोगों के हित को सिद्ध कर दिया। कृतम लोक कृतो लोक हितम नृप, प्रश्न से ही तुमने लोक का हित कर दिया। ये प्रश्न सुंदर है सो नहीं, सुंदरतर है। वरियान एष ते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप, ऐसे ही प्रश्नों का सम्मान करते हैं आत्मज्ञानी लोग, है ना। आत्मविद सम्मतः, आत्मज्ञानी लोग सारे प्रश्नों का आदर नहीं करते, और तो टाइम पास है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्र, जो आपने श्रोतव्य आदि के विषय में प्रश्न किया है, तो जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं, वो लोग ऐसे ही प्रश्नों का आदर करते हैं। वैसे तो इसमें प्रश्न ही क्या था, सब लोग मान के चलते हम जानते हैं। संति सहस्र सह, सुनने के लिए हजारों चीज़ें हैं, बोलने के लिए हजारों चीज़ें हैं,
करने के लिए हजारों चीज़ें हैं और स्मरण करने के लिए शायद लाखों चीज़ें हो। स्मृति की तो सीमा बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और रस बुद्धि भी एक जगह कहाँ है। देखो आदिनी शब्द लगाया, श्रोतव्यादिनी संति सहस्रशः, माने श्रोतव्य से लेके भजनीय तक सभी के सभी हजारों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में हैं और ये हमारे जीवन को धीरे 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 पूरा कर देते हैं। लेकिन ये प्रमत्त लोगों का व्यवहार है, तेषां प्रमत्तं प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहे हैं कि आयु जा रही है लेकिन नहीं देखते हैं। बोले बिल्कुल नहीं देखते, बोले ऐसा भी नहीं, थोड़ा तो देखते ही हैं, अगल बगल कुछ कुछ होता रहता है। बोलो उनका क्या हुआ, वो नहीं रहे। पश्यन, देखा फिर नहीं देखा, वो चले गए, हम नहीं। ये यक्ष का प्रश्न जब हुआ था तो युधिष्ठिर ने कहा था, उसने पूछा था आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने कहा यह आश्चर्य। तो इसलिए ये प्रमत्त हैं लोग, प्रमाद करते हैं, आंख बंद करके जीने वाले हम लोग हैं। जो लोग सावधान हैं, अप्रमादी हैं। गीता जी में एक शब्द आया आत्मवान, अब बताइए धनवान तो हो सकता है कोई हो कोई ना हो, लेकिन आत्मवान, आत्मवान तो सभी लोग हैं। आत्मा तो सर्वेषाम अस्ति एव, लेकिन नहीं, कैसे है, निस्त्रैगुण्यो त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम। ये जो श्लोक है इसमें आत्मवान शब्द आता है। भाष्यकार क्या बोलते हैं वहाँ आत्मवान शब्द का अर्थ, अप्रमत्ता। यो ही अप्रमत्तः स एव आत्मवान। ये प्रमादिनः, जो लोग प्रमादी हैं ये प्रमत्ताः, तेन आत्मवन्तः एवं मन्यते भगवान श्री कृष्ण। प्रमादो वै मृत्यु, अहम ब्रवीमि। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ प्रमादी किसको कहा वो ध्यान में लाना चाहिए। तो तुम सावधान हो परीक्षित, मेरी प्रसन्नता में ये बड़ा हेतु है। हे भारत, भरत वंश के यशस्वी राजकुमार, प्रकाश में रमण करने वाले, उसका आदर करने वाले भासी रतः इति भारतः। हे भारत, तस्मात, इसलिए, जीवन एक अवसर है इसलिए, और बहुत दीर्घ काल तक ये अवसर नहीं रह सकता, तो इसको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो बना ही रहेगा, इस तरह का भाव जो नहीं लेता है तो सतर्क है। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्यः। भागवत जी में यह जो श्लोक है पांचवा, ये आप समझें कि मूल उत्तर है मूल प्रश्न का। पूरी भागवत में, माने बारहों स्कंद में ये मूल उत्तर है, बाकी उत्तर अपनी जगह पर इसके सहायक हो सकते हैं, लेकिन यही मूल उत्तर है। आप बार बार पाठ करें
निवेदन है और फिर इसकी जांच करें, देखें शायद सही निकले। मुझे तो अभी तक यही लगता है। तस्मात देखें, वैदिक सनातन धर्म में ईश्वर का रूप क्या, वो कह ही सकते थे ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलते। सर्वात्मा ईश्वर एक उपाधि में अवच्छिन्न चेतन का नाम नहीं है। जो सर्व न हो, किसी से भी अलग हो, वो देवता हो सकता है, वो मनुष्य हो सकता है, वो पशु हो सकता है, वो शक्तिशाली देवता हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो किसी भी तरंग से अलग होगा, वो बड़ी तरंग हो सकती है, लेकिन होगी वो तरंग, वो जल नहीं हो सकता। यदि जल है तो वो किसी भी तरंग से अन्य नहीं हो सकता। जल की पहचान ये कि वो सर्वतरंगात्मा होना ही चाहिए। और यदि हमारी बुद्धि इस बात को ही मानती जानती है, उसमें रुचि लेती है कि नहीं नहीं यह नाम और यह रूप यही ईश्वर, अन्य नाम रूपों से पृथक, तो फिर तो बात जरा बनती दिखाई नहीं देती। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से भी सब उन्हीं का विवर्त है, इसलिए होने से भी, माने अधिष्ठान कारण होने से भी, सर्वदृक होने से भी, यानी किसी भी रीति से इस विचार पर साधक को पहुंचना ही चाहिए कि जो मेरा आराध्य है वो किसी से अन्य नहीं है। हम देखें यहाँ पर सारे संप्रदायवाद, यदि वो उपाय सोवताराय नहीं है, मांडुक्य कारिका का ये की व्याख्या है। कारिका में कहा गया कि ये जो बातें कही जाती हैं कदाचित, उनको उपाय के रूप में फिर भी किंचित स्वीकार किया जा सकता है। ध्यान रहे, उपाय जो है अपाय न बन जाए, हैं तो, क्योंकि वो भी गड़बड़ होता है। हम किसी को उपायत्वेन ग्रहण करते हैं और कालांतर में पता चला कि वो उपाय की जगह पर अपाय है, बाधक है। उपाय सो बताराय, कारिकाकार बोलते हैं सृष्टि का भी जो प्रसंग है वो उसके अवतर, उस तत्व का हृदय में अवतरण कराने के लिए, प्रक्रिया में चाहे जैसे भी हो, लेकिन ईश्वर के बारे में ये पहली बात है श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकलती है, सर्वात्मा। इसलिए मेरा ईश्वर बड़ा, तेरा ईश्वर छोटा, वो कहेगा ऐसी तेरी मजाल, मैं इससे बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। जिस तरीके से वो बड़ा बना दे उपाय सो होता रहा है, ये वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा गड़बड़ नहीं हो। ये वैदिक सनातन धर्म का जाना हुआ प्रभु नहीं है, तो कोई देवता ही, देवी देवता की पूजा आप करते हो, जो कोई बड़ी तरंग होगी शायद, लेकिन अभी जल की पहचान हुई नहीं। ये ध्यान रहे, ये लिखा पहला ही इसीलिए, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, उसी में सारे भगों का नित्य निवास है, अनंत भगों का अनंत नित्य निवास है। भग माने ऐश्वर्य, माने जिनके कारण जो एक आम व्यक्ति है वो खास हो जाता है,
उसको भग बोलते हैं। किसी के पास धन हो वो खास हो गया, उसमें शासन की सामर्थ्य आ गई। धन के साथ अगर कहीं कदाचित बल भी हो तो हुकूमत बढ़ जाएगी। देखें, बल के साथ यदि कहीं बुद्धि भी है तो फिर सामर्थ्य बढ़ गई। तीन थोड़ी मात्रा में ये तीन इकट्ठे हो जाएं, थोड़ी मात्रा में, तो वाह वाह क्या कहना। और कहीं उसका आचार भी सुंदर होवे, श्रद्धा के योग्य होवे, तो फिर दिलों पर भी शासन करने में समर्थ होता है, श्रद्धा का केंद्र बनता है। केवल सत्ता का नहीं, श्रद्धा का भी केंद्र बना, तब तो क्या वाह वाह है। ये चौथा है। और कहीं आसक्त न हो तो उसको कहीं कोई कमजोर नहीं कर सकता। अगर वो अनासक्त है, किसी भी विषय पर सुख के लिए अधीनता नहीं है उसकी, तो कहीं कमजोर नहीं दिखाई देगा। नहीं तो आसक्त व्यक्ति भले ही सर्वत्र बड़ा ही बलवान दिखाई दे, लेकिन कोई जगह जगह पर झुक जाता है। तो लोग जो हैं, जो वैरी पक्ष के हैं, वो तहकीकात करते हैं, पता करो इनकी कमजोरी क्या है। कमजोरी माने फिर वहाँ आसक्ति क्या है। और अगर कहीं वो बिल्कुल अविद्या मुक्त होवे, निर्बंध होवे, अपने स्वरूप में स्थित हो, तब तो कहना ही क्या है, माया का बंधन भी नहीं। ये छह चीज़ें हैं, मैंने दूसरे क्रम से आपको सामने निवेदन किया। सारे भग, सारे जो भी ऐश्वर्य हैं, जिनको लेकर के मनुष्य को विशेषता प्राप्त होती है, कहीं भी किसी भी समय में किसी भी मनुष्य देवी देवता को अगर विशेषता प्राप्त हुई है, तो इन्हीं छहों में से किसी न किसी को लेकर के, और वो भी थोड़ी मात्रा में, और वो भी थोड़ी देर के लिए। इंद्र को भी ये विशेषता नित्य नहीं मिलती। देखें, हमको मिलती है तो लगता ही है कि अब तो नित्य हो गई। अरे, जिसका प्राग भाव है उसका प्रध्वंसा भाव क्यों नहीं होगा? क्या बात करते हैं, माने ये क्या बात हो गई। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः, देखें जरा, ये चार हो गए। ये विष्णु पुराण में भग शब्द की व्याख्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीतः। ये छह हैं जिनको भग कहा जाता है। ये जो भग हैं, आखिर ये भी कहीं न कहीं घर खोजते हैं कि हम कहाँ रहें। ये निराश्रित होकर के क्या आसमान में घूमेंगे? तो इनका जो आलय है, इनका जो निधान है, है ना, वो कोई देहात्मा नहीं हो सकता, वो कोई एक अंतःकरणावच्छिन्न नहीं हो सकता। उसकी उपाधि में वह सामर्थ्य ही नहीं है। देखें जरा ये शब्द कैसे हैं। तो पहले सर्वात्मा कहा और दूसरा ही शब्द कहा भगवान। आप ऐसा बना सकते हो, यो ही सर्वात्मा सैव भगवान, यह नास्ति सर्वात्मा न स भगवान। ठीक है ना,
ऐसा एक ऐसी व्याप्ति बना सकते हो, यत्र यत्र सर्वात्मत्वं तत्र तत्र भगवत तत्वम हकूमत तब आई, जब इतने ऐश्वर्य आपके पास संपूर्ण मात्रा में संपूर्ण समय के लिए हो, और कहीं भी जाते हो तो वहीं से थोड़ा सा एक कण निकल के चले गए, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते सीकरते। रावण को हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेस्ते, तुमको लगता है कि तुम्हारा बल है, ये पहले भी था? बोले पहले तो नहीं था, तो आगंतुक है, आया कहीं से? हाँ, आया कहीं से, तो वो क्या शून्य से आया होगा? माने अगर तुम में पहले से नहीं था, आया है तो कहीं था तभी आया होगा ना। जहाँ वो था और समूचे रूप में जहाँ हमेशा रहता है, उसी का नाम श्री राम है। ये हनुमान जी का उपदेश है। जाके बल लव लेसते जीते हु चराचर झार तास दूत में, जा करीब हरि आने हो। ये तो रावण, तुम उसके समूचे बल के लव के लेस हो। अब उसको भरी सभा में जब सुनने को मिला कि अरे मैंने कैलाश पर्वत उठाया, बार बार बोलता है ये, भगवान ने कहा ये एक कण का एक और कण है। तो सर्वात्मा भगवान, और फिर तीसरा विशेषण देखो, जो भगवान है उसमें ईश्वरत्व है, इसलिए तीसरा शब्द आया भगवान ईश्वरः। तो शासक है, ईशन करता है, एक एक कण का ईशन करता है। ये दुनिया अनाथ नहीं है, अराजक नहीं है, इसका मालिक है। मनुष्य को ये बात जाननी चाहिए कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि हम चाहें तो दुनिया बर्बाद कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को ज़रूर बर्बाद कर सकता है, ये स्वातंत्र भगवान ने दे रखा है उसको। उनकी है, उसकी संभाल करते हैं वो, और अत्यंत करुणाशील हैं स्वभाव से। ईश्वर हो और करुणा न हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रावण सरीखा हो जाएगा। इसलिए दुख हरण करने के कारण ये हरि शब्द आया। देखो ये चौथा विशेषण है, हरि ही। आप क्रम देखना, ध्यान दो तो देखो दिखाई देगा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरः फिर हरि। इतनी सामर्थ्य के साथ जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया ना, तो वो बहुत देर तक संघर्ष करता रहा, और जब उससे बात बनी नहीं तो फिर उसने जब पुकारा तो प्रभु आए, उस समय उनका नाम पड़ा हरि ही। ये आरती हरण करने वाले, उनको कहा गया हरि। देखें तो ये हैं भगवान ईश्वरो हरि ही स्रोतव्या। बोले प्रभु ये गुरुदेव ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? बोले सुनो उसके बारे में, जब तक बोध न हो जाए पक्का तब तक सुनो, जब तक प्रमाण दृढ़ न हो जाए, अध्यवसाय तक न पहुंच जाए, तब तक श्रवण पूरा नहीं माना जाता। पंचदशी में श्रवण की यही परिभाषा है।
प्रसंग दूसरा है इसलिए मैं वो पूरा श्लोक नहीं बोलता, लेकिन अध्यवसाय पर्यंत श्रवण तभी जब प्रमा बन जाए, जब बुद्धि में निश्चय हो जाए, अकंप निश्चय हो जाए। अनुभूति का आग्रह तो नहीं है लेकिन निश्चय का आग्रह जरूर है। माने यह बात हो कि चाहे मुझे ऐसा नहीं लगता है लेकिन है तो ऐसा ही, इसको बोलते हैं दृढ़। अन्यथा नास्ति तो बोलते हैं श्रोतव्यः। अब देखो वहाँ पांच शब्दों में प्रश्न था, यहाँ क्या बोलते हैं, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, बस तीन शब्द। श्रोतव्य वही है, कीर्तन करने लायक वही है। अब ये वाणी का विषय है और वाणी से उपलक्षित सारी कर्मेंद्रियों का विषय बना। माने कीर्तन जो है वो वाणी से अवश्य ही करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ है, लेकिन हमारे चाल चलन से भी हमारे प्रभु की कीर्ति का गान होना चाहिए। तो कर्म जो है ना, कर्तव्य, वो कीर्तन में शामिल कर लिया उन्होंने। माने घंटे भर कीर्तन करें तो उसका जो विस्तारण होना चाहिए दिन भर होना चाहिए। प्रभु राम का भक्त हो और राम जैसा शील कहीं भी ना हो, शील रावण जैसा हो, तो ये कीर्तन गड़बड़ हो गया। अभी बहुत कीर्तन की फिर ज़रूरत है। ये नहीं कि ध्यान रखें, ये कभी बोलना नहीं, समझना नहीं कि कीर्तन बेकार गया, ये असावधानी की बात है। कीर्तन बेकार नहीं जाता, फिर इसका मतलब है अभी कीर्तन भी बहुत करना है। प्रतिकूल शील भक्त है, ये तो जय विजय हो गए, शाप के योग्य हो गए। जय विजय की कथा में उनके लिए विशेषण है प्रतिकूल शीलौ, स्वामी के शील से बिल्कुल विपरीत जिसका शील है वो है। तो ये कीर्ति है, व्यवहार से भी, चाल चलन से भी, शील स्वभाव से भी अपने आराध्य का कीर्तन होवे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः, स्मृति में मूल में जाके देखें तो कभी तो ऐसा लगता है कि एक मानसिक स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन अगर सावधानी रखें तो जहाँ हमारा हमारी रस बुद्धि होती है उसी को लेकर के स्मृति संसार बनता है। उसी के कारण कोई शत्रु है, उसी के कारण कोई मित्र है, उसी के कारण कोई प्रेमी है, उसी के कारण कहीं आसक्त है, उन्हीं लोगों की स्मृतियाँ आती हैं। रसबुद्धि जहाँ नहीं है वहाँ आसक्ति नहीं, और फिर वहाँ किसी से द्वेष भी नहीं। आप टटोल के देख लेना। इसलिए स्मृति में सारी चीज़ शामिल कर ली, भजनीयम को भी स्मरणीयम को भी। बोले प्रभु ही श्रोतव्य है, प्रभु ही कीर्तितव्य है। अरे ऐसा कोई साधु पुरुष मिले जिसकी रहनी से राम की याद आती हो? नहीं। झांकी मिलती हो, शील स्वभाव झांकता हो, ईश्वरत्व छिपता न हो, प्रकट हो जाता हो। कोई ईश्वरत्व को जाहिर करने वाली उपाधि हो जाए तो उसके सामने सहज ही प्रणिपात होगा। कोई कोई उपाधि, कोई कोई ऐसा व्यक्तित्व होए जो ईश्वरत्व को नहीं तो असुरत्व को प्रकट कर देता है। यहाँ असुर ऐसे होते होंगे। आखिर हम लोगों ने देखा थोड़ा ही किसी, लेकिन फिर वो झांकी तो हम ही लोगों में से निकलती रहती है ना कुछ ना कुछ बिना बोले। तो ये तो कीर्ति का गान है, कीर्तन है।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य। किसके लिए मैं कह रहा हूँ? बोले अभयम इच्छताम, जो अभय पद चाहते हैं महाराज परीक्षित, उनको ये करना चाहिए। आप चाहते हो, आपको ये करना चाहिए। आपने कहा मरणासन्न के लिए सर्वथा क्या कर्तव्य। मेरा पहला तो कहना ये है कि अंतकाल आने पर घबराना नहीं चाहिए। आहट मिल जाए, दरवाज़ा लगे कि कोई खटखटा रहा है, तो आई गवनमा की बारी, तो हम बैठ के बोलते हैं वही उम्र मोरी बारी। मैं तो अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी तो शुरू हुआ है, कितने साल के हो गए? नहीं, वो करीब 80 पार है, प्लस है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता ना, आप पूछते हो तब लगता है। मुझे हमारे किसी मित्र ने बोला था, मित्र तो नहीं बोलूँगा, बड़े आदरणीय व्यक्ति थे और बड़ा साहचर्य था, तो मैं कई बार बड़े गौरव भाव से उनका परिचय कराता था कि ये 85 साल के हैं, 87 साल के हैं और हमारे साथ टहलने जाते हैं। एक दिन लौटने के बाद बोले, स्वामी जी आप ना मेरी उम्र से मेरा परिचय मत कराया करो। मैंने कहा आपको भी इस तरह की कोई भावना है क्या? तो कहने लगे नहीं, वो मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता कि मैं इतने वर्ष का हूँ। तो जब शुरू हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन जब आप परिचय कराते हो तो सडनली याद आ जाता है कि हैं 87 साल जी गया मैं, इसका मतलब नज़दीकी हो रही है। तो मना किया और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा और कुछ और विशेषण लगा के परिचय करा दूंगा, लेकिन देखें। तो अब ही उम्र मोरी बारी से, तो ये आहट हो जाए तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं अंतकाले तो पुरुषः आगते गत साध्वसः। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल पहला काम है घबरावे नहीं और असंगता का शस्त्र हाथ में ले ले। असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा छिंद्यात, यहाँ वही वाक्य, छिंद्यात असंग शस्त्रेण। असंगता, असंगता शब्द का अर्थ है आसपास जो भी कुछ है उससे चित्त प्रभावित न होए, अपने को थोड़ा सा बीच में दूरी बना ले और फिर अभ्यास बढ़ा दे बैठने का। शुचौ देशे शुचौ विविक्त आसीनः, आसीनः विधिवत कल्पित आसने, और पवित्र देश में विधिवत आसन पर, माने जैसा आसन कर में बैठने की विधि है वैसा बैठ जाए। और फिर जितस्वास नियच्छेत लिखा, बुद्धि सारथी के द्वारा बुद्धि को ठीक से नियमित करे और धीरे 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 मनोनिर्विषयम युक्त्वा। देखिए बिल्कुल उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया, 19वां श्लोक है ये, मनोनिर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत। मन निर्विषय हो जावे फिर कुछ स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये है मरणासन्न का काम। तुमने पूछा था ना उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए, तो मेरा यही कहना है।